जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के नेता व चंदोसी विधानसभा क्षेत्र के दावेदार सतीश प्रेमी समाजवादी पार्टी का टिकट कटने के बाद लखनऊ से चंदोसी आगमन पर निवास स्थान भैजोई रोड चंदोसी पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके पास आकर अपना दर्द बयां किया तथा आक्रोश में जबरदस्त नारेबाजी भी की। उपस्थिति समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश प्रेमी ने कहा कि मैं 25 साल से आपके साथ हर दुख दर्द में खड़ा हूं और जीवन भर खड़ा रहूंगा। मेरा दल तथा परिवार मेरा चंदोसी क्षेत्र है। प्रेमी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी भावनाओं के अनुरूप चंदोसी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के चयन में पुनर्विचार करेंगे और हम सब अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य करेंगे। प्रेमी का उनके निवास पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे तथा भावपूर्ण स्थिति में सैकड़ों लोग रोते हुए दिखाई दिए। घोषणा हो चुकी है और आपने काफी मेहनत किया था और पार्टी झंडा डंडा लगाने में कोई कसर को नहीं छोड़ी और पूरा जीवन पर्यंत आप लगातार पार्टी को सींचते रहे, तो अब क्या कहना, आपको क्या संदेश देंगे आप? मैं सबसे पहले आपके चैनलों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ क्षेत्र के आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, जिन्होंने मुझे मेरे प्यार को बेच दिया, प्यार दिया मुझे और परिवार को प्यार दिया। आज भी जब मैं लखनऊ से लौटा हूँ तो क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान साथी बड़े भावुकता में थे और मेरा इंतजार 2 घंटे लेट भी हो गया, मेरे इंतजार कर रहे थे। मैंने उनकी भावनाओं को समझा, उनके आंखों से आंसुओं को भी समझा कि वो बेंतियां प्यार मुझे करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लिया ये। मैं सिर्फ इतना ही था मेरा कि किसी भी समाज पार्टी के उस कार्यकर्ता को राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा, प्रत्याशी बनाएगा, जिसने लंबे समय से हमारी पार्टी को सींचा हो, मेहनत की हो, धरने प्रदर्शन आंदोलनों में भाग लिया हो, जनहित की मांग उठाई हो, जनता के लिए संघर्ष किया हो, लेकिन अचानक उस प्रत्याशी को बना करके जिसने 2017 में 46,000 वोट से पार्टी को हराया, 46,000, जबकि गठबंधन था कांग्रेस का और सपा गठबंधन था, 46,000 से हारना, ये पार्टी प्रत्याशी का व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है क्योंकि दल चंदोसी से कभी इतने बड़ी अंतर से नहीं हारा। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मेहनत पे आंकलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा यह था कि जो सर्वे करा रहे, जो जनभावना उनके अनुरूप निर्णय लेंगे, लेकिन मैं उस प्रत्याशी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, समाज पार्टी का आदेश है, समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है, जो प्रत्याशी बनाना चाहेंगे प्रत्याशी बनाने के लिए वो स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी का। लेकिन इतना जरूर मुझे कहना है कि भाई समाज पार्टी का वो प्रत्याशी जो 46,000 से आ रहा था पार्टी को कमजोर किया और 4.5 साल क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आया। उसने आरोप लगाए थे कि समाजवादी पार्टी ने मुझे हराया 17 में। 4.5 साल गुजारने के बाद 6 महीने पहले पार्टी में एंट्री करना, पार्टी ज्वाइन करना और 4 महीने बाद पार्टी को प्रत्याशी बना देना, उन तमाम चंदोसी क्षेत्र के समाज पार्टी के लोग, आवाम के लोग, उनकी भावनाओं को देखना चाहिए था। लेकिन क्या मैं अखिलेश यादव जी को, फिर मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान है, संघर्षशील इंसान है, वो संघर्ष कर रहे थे। मेरा भी मानना यह था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका चंदौसी विधानसभा क्षेत्र अपनी दे सके। आप लखनऊ में 10 दिन तक लगातार रहे थे, आपको क्या आभास हुआ था वहां? मुझे आभास था, अखिलेश यादव जी ने मुझसे, मेरी मुलाकात हुई, 2-3-4 मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा हम जल्दी फैसला लेकर के, कुछ लोग नेता नहीं चाहते, उन्हीं नेताओं की पहल से ये टिकट जो हुआ है वो उनके नेता। आगामी क्या योजना आपकी? निश्चित तौर पर मेरा कार्यकर्ताओं साथियों से भी बात 2-4 मिनट हुई थी बाहर, बात लोगों ने कहा कि हम अपने पदों से त्याग पत्र देंगे, मैंने उनसे मना किया है कि अखिलेश यादव जी के निर्णय, हो सकता है तमाम परिवर्तन होते हैं, उनसे अपनी मांग रखिए। उन्होंने कहा मांग रखे अध्यक्ष जी से केस जो प्रत्याशी बनाए पुनर्विचार करें, पुनर्विचार का इंतजार साथी कर रहे हैं। मेरा भी यह है कि जो क्षेत्र निर्णय लेगा मेरा निर्णय होगा। या पार्टी सिंबल दे दिया इनके लिए भी? नहीं, पार्टी उन्होंने सिंबल रात दिखाया, मैंने एक फेसबुक पे देखा था कि हमारे बड़े नेता है उनके हाथ में सिंबल उनको देने गए थे, सिंबल मैंने देखा था, सिंबल उनके पास है जो कह रही है, क्योंकि जिलाध्यक्ष ने कहा है, महामंत्री के मौजूद के में कहा है, तो पार्टी ने प्रत्याशी तो बनाया होगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, मेरा परिवार भी मेरा क्षेत्र है और मेरी राजनीति क्षेत्र से है, न कि विशेष दल। अगर जनता कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर जनता, मैंने कहा जनता के ऊपर है, जनता अगर कहेगी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े संवेदनशील है, बड़े भावनाओं से, ऐसी बात नहीं, मैंने कहा चंदोसी की भावनाओं के अनुरूप अगर प्रत्याशी बदलने काम करते हैं किसी को तो भी मैं निश्चित हूँ। अभी आपको उम्मीद है यदि पार्टी से टिकट नहीं मिलता है और जनता कहेगी कि आप चुनाव लड़ो,
नहीं जनता कहेगी, मैंने कहा निर्णय उस वक्त लूंगा सबको बैठा के निर्णय लूंगा, मैंने कहा मेरे लिए क्षेत्र का निर्णय सर्वोपरि है, मैंने पहले लिखा। अभी अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कुछ है आशा? हाँ आशा है, हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो सकता है कि पुनर्विचार करें और सोचे कि ये प्रत्याशी जो 46,000 से आ रहा था कहां से आप लेके आएंगे, कहां से करेंगे, चंदौसी का प्रत्याशी जीतेगा तब चंदौसी वाले होता है। भाजपा भी जानती है कि आप सबसे दमदार प्रत्याशी हैं विपक्ष में। हाँ निश्चित तौर पर सब लोगों को अपसार पार्टी आंकलन करती है, जैसा आप बता रहे मुझे तो नहीं मालूम कि मैं प्रत्याशी मजबूत हूँ कमजोर हूँ, मैं तो क्षेत्र के मतलब भावनाओं के अनुरूप लोग कह रहे हैं अगर भाजपा को हराना है तो प्रेमी सामने लाओ बुलाना है इनके लिए, बोले अन पार्टी नहीं जिला पाएगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोचे जो क्षेत्र की भावना जो आप ज्यादा क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लें निश्चित तौर पर, तो मैं उसका। अगर सर प्रत्याशी की चेंजिंग नहीं होती है फिर आपकी रणनीति क्या होगी? मेरी रणनीति मैं क्षेत्र के लोगों से कल बात करूंगा, आज बात करूंगा, परसों बात करूंगा, लगातार कल और परसों तक मैं क्षेत्र के लोगों से राय मशवरा करके निर्णय उसके बाद। नेताजी चुनाव का समय बहुत कम है और आपको तो फील्ड जानता है, तो कम से कम अगर जितना निर्णय आप लेंगे देर से लेंगे तो उसमें देर से निर्णय मेरे क्षेत्र के लोग जो जब चाहेंगे क्षेत्र के निर्णय के आधार पर लूंगा, लेकिन अखिलेश यादव जी से जो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है उनसे भी है कि वो पुनर्विचार करें और क्षेत्र की भावनाओं का सम्मान करें।